वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिल्मिस का एक और नई वीडियो में। बहुत दिन हो गए चैनल पर वीडियो आए, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए चैनल पर रेगुलर वीडियोस नहीं आए थे, लेकिन मैं आज से ट्राई करूंगा दो दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करने का। ओके, मैं आज इस वीडियो में साउथ की न्यू रिलीज है हिंदी डब या कहे क्राइम थ्रिलर फिल्मों को लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको इन फिल्मों में खतरनाक थ्रिल के साथ दमदार सस्पेंस देखने के लिए मिलेगा। अगर आप साउथ की क्राइम थ्रिलर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। उसके साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया ना करते हुए आज की बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट की नंबर 6 पर है नेट। ये 2021 यानी इसी साल रिलीज हुई एक तेलुगु लैंग्वेज की क्राइम थ्रिलर वाली मूवी थी। ये मूवी डायरेक्ट G5 पर रिलीज हुई थी और ये मूवी अब हिंदी डब में भी आ चुकी है। और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिली है और 71% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किए थे। बात करें इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में, और इस मूवी की कास्ट में अविका गौर राहुल रामकृष्ण लीड रोल को प्ले करते हुए नजर आए थे। राहुल रामकृष्ण इस मूवी में लक्ष्मण नाम के किरदार को निभा रहे हैं, जो पॉर्न वीडियो देखने के लिए एक वेबसाइट में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको एक रियल लड़की मिल जाती है, मतलब उनकी शहर की एक लड़की मिल जाती है। वो लड़की होती है प्रिया। उनकी रियल लाइफ की कोई वीडियो निकल के मतलब वो पॉर्न वीडियो पे अपलोड करता है, और आगे क्या होता है पता लगाना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी आपको हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा। ये मूवी G5 ऐप पर भी अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब पर भी आ चुकी है, अनऑफिशियली अवेलेबल है, कभी भी रिमूव हो सकती है। और आपकी सुविधा के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। हमारी लिस्ट की नंबर 5 पर है अथीरन। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर वाली मूवी थी और ये एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है, जिसकी कास्ट में फहद फासिल और ताई पल्लवी लीड रोल को प्ले करते हुए नजर आए थे। ये मूवी आपको कल यानी 3 दिसंबर को 12 बजे देखने के लिए मिलेगा, वो भी यूट्यूब पर। जी हाँ, ये मूवी यूट्यूब पर आने वाली है और मैं इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किए थे। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, ये स्टोरी है डॉक्टर नायर यानी फहद फासिल की, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ताई पल्लवी मिलती है, और आगे क्या होता है पता लगाना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये कमाल की मूवी है, जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहिए। कल ये मूवी हिंदी डब में आने वाली है तो किसी भी कीमत पर मिस मत करें। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पर है आइंतु। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन रोमांस वाली मूवी है, जिसको IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली है और 89% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया था। और ये डायरेक्टर ससी की डायरेक्शन में बनकर आई थी, जहां पर इस मूवी की कास्ट में आपको देखने के लिए मिले थे संतानम, भरत, चांदनी लीड रोल को प्ले करते हुए देखने के लिए मिले थे। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, ये स्टोरी अरविंद नाम का आदमी की मतलब अरविंद की किरदार को यहाँ पे भरत निभा रहे हैं, जो एक अनएक्सपेक्टेडली कार एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड को खो जाते हैं, और आगे क्या होता है पता लगाना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये मूवी आपको 5 के 5 नाम से हिंदी डब में देखने के लिए मिलेगा, जो कि यूट्यूब पर ऑफिशियली अवेलेबल है। मैं इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ, जहाँ पर क्लिक करके आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी लिस्ट की नंबर 3 पर है किरु मणकणजा। ये 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ा लैंग्वेज की बेहतरीन मूवी थी, जिसका स्टोरी लाइन के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस मूवी का स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और इस मूवी की कास्ट में वर्तिका नायक, जीवन नीनाजम, श्रीधर नायक लीड रोल को प्ले करते हुए नजर आए थे। अगर आप इस मूवी को पहले हिंदी डब में देखे हो तो आपको ये फिल्म कैसे लगी नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आप अभी तक इस मूवी को नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी डब में फिलहाल यूट्यूब पर अवेलेबल है, अनऑफिशियली अवेलेबल है, कभी भी रिमूव हो सकती है, सेम टाइटल के साथ अवेलेबल है। मैं आपकी सुविधा के लिए मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ, अगर आप अभी तक नहीं देखा हो तो इन्जॉय कर लेना। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पर है द विलन। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर वाली मूवी थी, जिसको IMDb पर 10 में से 5.5 की रेटिंग मिली है और 86% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किए थे या फिर पसंद किए थे। और इस मूवी की कास्ट में युवराज कुमार, सुदीप लीड रोल को प्ले करते हुए नजर आए थे। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में, कि स्टोरी के राम यानी सुदीप की जो बचपन में ही घर छोड़ के जाते हैं,
घर छोड़ के जाने के बाद वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बन जाते हैं। आज उन्हें ढूंढने के लिए जो राजकुमार आते हैं और आगे क्या होता है पता लगाना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी को महाबली 2 नाम से हिंदी डब किया गया है, जो आपको यूट्यूब पर ही देखने के लिए मिलेगा, ना ऑफिशियली अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ, जहाँ पर क्लिक करके आप इस मूवी को डायरेक्ट इंजॉय कर सकते हैं। रवि इतने वर्ष नहीं। हमारी लिस्ट नंबर 1 पर है नेरापुड़ा। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर वाली मूवी थी, जिसको IMDb पर 10 में से 4.5 की रेटिंग मिली है। और इस मूवी की कार्ड में वेंकट प्रभु लीड रोल को प्ले करते हुए नजर आए थे। बात करें इस मूवी की स्टोरीलाइन के बारे में, ये स्टोरी एक गैंगस्टर की जो कुछ लोगों को मारने का कमिटमेंट लेता है और आगे क्या होता है पता लगाना है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। ये एक वन टाइम वॉचेबल डिसेंट मूवी है, जिसे आप लोग यूट्यूब पर ही देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। तो इन तक वीडियो अगले वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।